वो कहीं जा छिपे और उस खतरनाक टी वायरस की शुरुआत थी जो पूरी कायनात को खत्म करने वाला था। जो लोग इस हाथ महफूज थे पर वो गलत थे, टी वायरस के साथ अपना काम करते रहे। उन्हें लगा कि वो अपने हाईटेक किले में महफूज। चार साल बाद एक अधमरी औरत को खत्म कर दिया मध्य शिबिया में। बढ़िया निशाना था। तुमने एक निशाना लगाया है, मैंने 3 निशाने लगाए। पक्का दोषी तुम ठीक तो हो? निशाने लगाए तो क्या हुआ? अभी तो रात जवां है, अभी भी कई निशाने लगा दो। दोषी कहाँ हो तुम? दोषी जवाब। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मुख्यालय टोक्यो। हमें जवाब दीजिए, हमारा उसके साथ संबंध। जर्मन वेस्कर, खबर दो सर, उसके साथ संपर्क टूट गया है। कितने मारे गए? सब के सब। और तुम ये? आधा घंटा पहले अपने दल के कुछ सदस्यों से हमारा संपर्क टूटने लगा था। अभी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। गेट नंबर 4 से मेरी बात करवाओ। तुम ये मुझे आधे घंटे बाद बता रहे हो? हमें लगा कि मशीन में कुछ खराबी है। मैं आप चेयरमैन वेस्कर बोल रहा हूँ सर। वहाँ का हाल बताओ। जी सर। ओटाका, कुछ हलचल दिख रही है। यहाँ हर तरफ खामोशी है। उस पेटियाँ नजर आ रही हैं। निशाने पहचानो। रिपीट, निशाने पहचानो। सर, हम पर हमला हुआ है। कई लक्ष्य हैं। Gate number 4. सर, दूसरी लिफ्ट अचानक चलने लगी। मुझे मेन गेट पर सिक्योरिटी देना चाहिए फौरन। सकते हैं क्या? बॉयज औरतों से इस तरह से पेश आते हैं। यहाँ कुछ आया है, घुसपैठ हुई है, यहाँ घुसपैठ हुई है। सिक्योरिटी से कहो कि मेन गेट को पूरी तरह नव गैस से ढक दे। ऊपर है। सर, हमारे आदमी अब भी ऊपर हैं। सेक्टर 1 से 5, 7 और 8 में घुसपैठी आ गए हैं। सेक्टर और किसी को कोई सवाल पूछना है? अपनी अपनी जगह पर रहो। सेक्टर 10 और 11 में गोली चलने की खबर है। सील कर दो सारे अंदर के धमाके के दरवाजे और मुझे सुरक्षा के सभी कड़े नियम लागू कर दो। सारी लिफ्ट्स बंद कर दो। पूरी रिपोर्ट चाहिए। करते हुए यहाँ कोई इंफेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और खाना और ठिकाना। ये है आर्केडिया। इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण आर्केडिया। इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए यहाँ कोई खाना और ठिकाना मुहैया कराते हैं। ये है कुछ लोग हेलीकॉप्टर से महफूज जगह पहुँच गए। वो अलास्का के आर्केडिया शहर। जब मैं अम्ब्रेला से बदला ले रही थी तब बचे हुए रहने की जगह के साथ साथ वो खाना पीना और सुरक्षा का दावा कर रहे शहर की तरफ जा रहे थे। हमें वहाँ से रेडियो ट्रांसमिशंस भी मिले थे। एक ऐसी जगह जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं था। एक 177 दिन बीत गए बिना किसी जीव को देखे। इस वक्त 3 मई शाम 4 बजे 1.58 डिग्री पश्चिम पर हूँ। आर्केडिया की प्रमा 58.37 डिग्री उत्तर 134.0। काश क्लेयर और बाकी सब पहुँच गए और प्रमाकों के काफी नजदीक। फिर भी किसी मैप पर उसका नामो निशान नहीं। सबका ख्याल रखना। गुड लक। तुम नहीं चलोगी। गुड लक केम आउट। क्लेयर। Arcadia. ऐसी कोई जगह है ही नहीं। 3 मई शाम 7:30 बजे और एक बीच पर हम सभी ने सिर्फ एक मैदान और एक बीच। कोई तो है जो इन सब लोगों को यहाँ ले। हम सभी ने वो ट्रांसमिशन सुने थे, किसी ने तो वो भेजे होंगे। और वो गए कहाँ, पर किस लिए? 177वां दिन अब खत्म। तब मैं ये कर पाऊंगी। अगर मैं आखिरी हुई तो पता नहीं और कब तक मैं ये कर। इन सारे टेप्स को देखने वाला कोई नहीं। अगर मैं आखिरी हुई तो अगर कोई और नहीं बचा तो सबको होने देने के लिए मेरी सजा है। इस सबको रुको, प्लीज रुक जाओ। नहीं रुको। हेलो, प्लीज रुक जाओ। जवाब दो मुझे। हेलो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब ठीक है। ये क्या है? किसने किया ये? जानती हूँ, लेकिन ये निकालना जरूरी था। ये क्या है? क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? हम 1.5 साल पहले नेवाडा डेजर्ट में मिले थे। इससे कुछ याद आ रहा है? मेरा नाम एलिस है। हम 1.5 साल केम आउट। माइकी, कार्लोस, एलजे, आर्केडिया, कुछ याद आया? तुम बचे हुए लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर से अलास्का चली आई थी। आर्केडिया, कुछ याद आया? उसके बाद सैन फ्रांसिस्को के लिए रास्ता तय कर रही हूँ। मैं वैंकूवर से होके सियाटल पर उतरूंगी। मेरा मुसाफिर तो और फिर बाकी के पश्चिमी तट। वो चीज जो कुछ भी थी उसके अंदर एक दवा डालती जा रही थी तो पग चले जा रहा है। वो चीज जो कुछ भी, काश इसका असर हमेशा के लिए ना हो जिससे उसकी याददाश्त चली गई। नहीं तो पहले हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। अब तो मेरे हाथ तुम खोल सकती हो। पहले वापस क्यों मुड़ रहा है? मुड़ नहीं रहा है बल्कि ये तो कितना नीचे उड़ रहा है। वो लैंड करने वाला है। आखिर वो कर क्या रहा है? उतरेगा। दिमाग खराब हो गया है। वो नीचे उतरने वाला है। रास्ता खाली करो, जल्दी जाओ। उतरेगा। पहले से खोल दो। संभाल के बैठे रहना। जो करने जा रही है उससे ज्यादा तो नहीं। थैंक्स, बस कोई पागलपन नहीं करना। आर्केडिया के बारे में तुम क्या जानती हो? उन्होंने कहा था वो हमारी मदद करने आई हो। हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? तुम आर्केडिया से हो? तुमने क्या कहा? उन्होंने तुम्हें भेजा है ना? नहीं। पर क्या कर सकते हैं? वहाँ और भी कई बचे हुए लोग हैं जो सुरक्षित हैं। जहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं। हमें बचाने कोई नहीं आएगा। मुझे वहाँ तुम्हारे जैसे और लोग भी हैं? सिर्फ हम हैं। सॉरी। इनकी बातों का बुरा मत मानो। सबके जानना चाहोगे एंजल ऑर्टिस काफी अच्छा बुरा मना माना। ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये लोग सोच रहे थे तुम हम सबके छपलेन उड़ा लेती हो। थैंक्स, अभी जान बाकी है। पता है प्लेन सही सलामत तो है ना? मैं जानती हूँ। हाँ, लोग अक्सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ। कुछ खास नहीं। नहीं? ओह, लोग अक्सर मुझे यही कहते हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, बास्केटबॉल पसंद दिलचस्पी हो। तो फिर हो सकता है कि तुम्हें घड़ियों में दिलचस्पी। यहाँ का सुपरस्टार। तो आर्केडिया के बारे में बताओ। हाँ, लूथर है हमारे यहाँ का। एक हफ्ते से हमें उनके प्रसारण सुनाई दे रहे हैं। खाना और रहना। क्या जानते हो तुम लोग? वही जो उनके ट्रांसमिशन में सुना। उनका ध्यान खींचने के लिए हम कई दिनों से रोशनी के सिग्नल छोड़ना और रहना, सुरक्षा और निगरानी, कोई इन्फेक्शन नहीं। हमें लगा उन्होंने तुम्हें भेजा। अलास्का से सिग्नल कौन देखेगा? अलास्का सिग्नल छोड़ रहे थे। हाँ। अलास्का मेरे ख्याल से शहर है, मुझे ऐसा नहीं लगा। आर्केडिया, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। वो अलास्का में एक शहर। या देखो खुद ही देख लो। क्या देखो? वो कोई शहर नहीं है। देखा, ये रेडियो से रिकॉर्ड किया था। ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण जहाज है। मैंने ये रेडियो से ठिकाना मुहैया करा दे। यही मैसेज हमने सुना था। वो बचे हुए लोगों को लेकर प्रसारण करते हुए यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और बचाव खाना और करते हुए। ये कैसे आप लेकर समुद्र किनारे से गए होंगे? ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण। उसके बाद सब बंद हो गया। ये पता नहीं ये उनकी तरफ से आखिरी बस छोड़ रहे हैं, इसलिए जब तुम आई तो हमें लगा कि उन्होंने तुम्हें भेजा है। ये 2 दिन पहले की बात है। हम हर घंटे रोशनी के सिग्नल छोड़ रहे हैं। वही आर्केडिया है, जानती हूँ। वो जो जहाज दिख रहा है, तुम्हें याद है? हाँ, मुझे वो बीच याद है। तो क्या हुआ? तुम औरों के साथ गई क्यों नहीं? लोग हमारी मदद करने आ रहे थे। हमें नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं। पहुंचना होगा, हमें उस जहाज तक पहुंचना होगा, हमें उस जहाज तक पहुंचना होगा। घर में तुम्हारा स्वागत है, सेल ब्लॉक बी में। क्रिस्टल हमारी बावर्ची है। सॉरी, मैं अच्छी खबर नहीं लाई। निराश होने की आदत डालो। बावर्ची है, तरह तरह के पकवान ना सही पर जो बनाती है कमाल का होता है। मैं बनने आई थी फिल्म की हीरोइन, पर बन गई मामूली वेट्रेस। किसका इंतजार? मेरा एजेंट यही कहा करता था। थैंक यू। किसका इंतजार है? एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। थैंक यू। अरे जाओ यहाँ से। थैंक यू। इसकी प्रॉब्लम क्या है? महामारी के पहले ये फिल्मों का प्रोड्यूसर रह चुका है। हमारी फिल्म लाइन में ऐसे बदतमीज बहुत मिलेंगे। किम यंग उसका असिस्टेंट हुआ करता था, आज भी उसी की। साला अपने आप को 30 मार खा समझता है। हद से ज्यादा बिगड़ गए तब हमने जेल में बनाया करने के लिए वक्त है, और उन चीजों को बाहर रोक पाएंगी। जब तक हम यहाँ पहुँचते सोचा था इसकी दीवारें सबसे ज्यादा बड़ी और मजबूत होंगी। वैसे देखा जाए तो जब लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया, यहाँ पहुँचते गार्ड्स और कैदियों पर उसका असर हो चुका था। हमें लगा ये जगह खाली है, फिर असलियत सामने आई। तब किसी को कैद रखने का कोई मतलब नहीं था। हमें लगा ये वेंडल, तुम कुछ देर आराम। मुझे दीवारों से हलचल सुनाई देती है। तुम कुछ देर आराम कर लो। आराम तो मैं करूंगा ही, मुझे इस जगह से सख्त नफरत है। आओ चलो तो चलो देखते हैं। मैं 1 मिनट में वापस आया। ये तुम कैसे जानते हो? तुम ही वो प्लेन उड़ा रही थी। अच्छा वो तुम आ गई। अब तुम ही नहीं कुछ समझो। सिर्फ वेंडल ही नहीं जैसे आवाजें सुनाई देती हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें समझ नहीं आया? कुछ समझा बुझा सकती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। समझ नहीं आ रहा। मैं कैदी नहीं हूँ। के साथ काम कर रहा था। हम इस जगह को एक मचान की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मैं एक फौजी दस्ते के साथ काम मिला कि सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। असल में हम चाहते थे कि हालात पहले ही खराब थे जब हमें गवर्नर का आदेश मिला कि फिर भगदड़ मच गई। हम निकल चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और उन चीजों का सामना करें। लगा कि मैं एक गार्ड हूँ। जब मेरी आंख खुली मेरी टुकड़ी जा चुका ही रहे थे कि कैदियों के एक दल ने मुझ पर हमला कर दिया। शायद उन्हें लगा कि यह एक मजाक था। तुम्हें यकीन नहीं हो रही थी और मैं यहाँ था। मैं उनके लिए बाकी सब करते हैं। तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तसल्ली हो गई? तुम्हें कुछ मिला? हम सब यहाँ किसी न किसी तरह कैद हैं। जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कुछ मिला? नहीं। मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। यहाँ से निकालूंगा। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं भी तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं वो कुछ नहीं बकेगा और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये जो कह रहा है उसकी तहकीकात की है। बाहर के रास्ता आता है। इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? मैं लोगों को परख सकता हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वो आदमी खूनी है। अच्छा उसकी आंखों में नजर। तुम्हें क्या लगता है? तो बताओ मेरी आंखों में देखकर तुम्हें क्या? ये सब ओ। तुम्हें भला इन सिक्कों का क्या काम है? मुसीबत में काम आता है। ठीक है। खैर अब तुमसे सुबह मुलाकात होगी। शौक है मेरा। शौक है? वहाँ तुम्हारे दोस्त हैं? डेक पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। याद नहीं है तुम्हें? मुझे याद आ रहा। हाँ शायद, लेकिन अब भी धुंधला सा मुझे याद आ रहा है। धीरे धीरे हमें वहां पहुंच नहीं होगा। रास्ता सब होने के बावजूद पानी आ रहा है। ये तो कमाल हो गया। हमसे जो हो सके हम करते हैं। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ठंडा है। बस गर्म पानी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं बाहर ही हूँ। थैंक यू। तो अब मुझे चलना चाहिए। बेहतर होगा। मैं बाहर। लूथर, मैं तो बस निकलो यहाँ से। गोली मत चलाना, मुझे छोड़ दो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गोली मत चलाना, मैं तो बस जा ही रहा था। समझ गए, कोई नहीं आ रहा। हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। यहाँ से निकलना ही होगा। आर्केडिया जरूर बचाएगा हमें। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकते हैं और हम सब यहाँ से एक साथ निकलेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा। जान बचानी होगी। तुम्हारे पास जो ये प्लेन है उसमें सब नहीं आ सकते। हम यहाँ से निकल जाएंगे, वो हमें जाने देंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बहुत खूब। और हम ये करेंगे कैसे? यूं ही यहाँ से निकल। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास इसके अलावा? वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये छूट जाए। ठीक है, वो खतरनाक है। क्रिस्टल, तुम्हें क्या लगता है? बताओ। मेरा मतलब तुम तो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। शायद हो सकता है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये क्या पागलपन है? क्रिस्टल का रास्ता पता है, तो इसे मौका देना चाहिए। तो ठीक है, शायद हो सकती है। एंजल ठीक कह रहा है। अगर इसे बाहर निकलने का रास्ता, गलती कर रहे हो। एक बहुत बड़ी गलती। तुम उस पर पूरी निगरानी। तुम्हें ऐसा लगता है? तुम लोग गलत रखना। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया, निकले यहाँ से। अगर तुम उसके भाई हो, अगर हम यहाँ से फौरन नहीं निकले तो वो कच्चा चबा जाएंगे। फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज हम आगे की सोचें। अगर हम ताकि भारी दंगों में काम आ सके। 16 पहिए, उन दरवाजों के पीछे एक यूपीवी है। अब उन पैसिफिकेशन वेग 10 टन का वजन है। इसे शान से चलाएंगे। 16 पहिए, स्टील की प्लेट, पानी की तोप, इसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। हटना मुश्किल है। किनारे पहुंचते ही हमें किसी नाव में बैठकर जाना पड़ेगा। हम कुचलते हुए निकल जाएंगे। ताला जाम हो गया है, पर इसे काटना था। हम तहखाने में हथियार रखते थे, वहाँ हर तरह के हथियार मौजूद। हमें कुछ और बंदूकों की जरूरत पड़ेगी। मैं दिलवा सकता हूँ। जब मैं यहाँ तैनात, क्योंकि आखिर में बंदूकें ज्यादा थी और उन्हें इस्तेमाल करने वाले का। तुम्हें कैसे पता तुम्हारे साथी वो हथियार अपने साथ नहीं ले गए? जाओ जाकर गन्स ले आओ, लूथर। नींव में पानी न भर जाए इसके लिए उनके पास पंप थे। यहाँ पानी क्यों है? वहाँ नीचे 2 और मंजिलें हैं। हथियार कौन से मंजिल? जब बिजली चली गई तब नीचे वाले कुछ स्तर में पानी भरने लगा। सबसे नीचे हटो। ओह, ये बात है। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं स्विमिंग चैंपियन थी हाई स्कूल में। तो अब मुझ पर इतना भरोसा हो गया है? हाँ, ये लो। लूथर, उस कमीने को गोली मारो। क्यों नहीं? सुरंगें नालियों तक जाती हैं। क्या हमें इतनी बड़ी सुरंग? अब तो यही रास्ता है। मैं आगे चलता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे रहूँ। तक जाती है नालियाँ बरसाती नालों, और बरसाती नाले समंदर तक जाते हैं। चलता हूँ, चलूँगा, चलता हूँ। मुझसे ये नहीं होगा। कर सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। चलो। था तुम पहुंच जाओगे। हमें आगे बढ़ना होगा। अब उसे बुलाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है पेनेट पहुंच गया। चलो अंदर देखते हैं। मिला क्या? कोई नहीं। लगता है बड़ी जल्दी में निकले। कोई नहीं। मैंने क्रू के कमरे भी देख लिए, वो सब चले गए। यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा और बचाव, खाना और ठिकाना मुहैया कराते हैं। ये है आर्केडिया, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए। यहाँ कोई चल रहा है। ये देखो, ये जहाज का रजिस्टर है। क्रू में ईंधन, पावर, सब तो ठीक ठाक है, पर यहाँ तो लिखा है कि अभी जहाज पर 2000 लोग बचे हुए हैं। क्रू ने 3 दिन पहले लाइफ बोट्स छोड़ी थी, ठीक उसी वक्त जब ट्रांसमिशंस बंद हो गए। हमें इस जहाज, वो यही कही है, हमें इस जहाज का कोना कोना छानना पड़ेगा। वो हमें लेने अम्ब्रेला, याद है वो हमें लेने आ रहे थे। सब लोग पैरों के नीचे है। रखा गया है। ये देखो, जो लोग बच गए हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें कैद करके रखा गया है। उन्हें ऊपर लाओ सबको। के मार्ट वो भी यहाँ है। तुम्हें देखकर मुझे हमारे सैटेलाइट सिस्टम ने आसानी से तुम्हें ढूंढ निकाला। तुम्हें देखकर मुझे हैरानी नहीं हो रही है। तुम्हें ढूंढना जरा भी मुश्किल नहीं था। मुझे पता था कि तुम अपने दोस्तों को बचाने जरूर आओगी। और वैसे भी आजकल ज्यादा इंसान बचे नहीं। वैसे भी रुको, वफादारी जिसमें कोई दम नहीं। मैं नहीं चाहता तो मेरे जानवरों को नुकसान पहुंचाओ। रुको, बैठो, अपनी बंदूकें फेंक दो। नुकसान पहुंचाओ। अपनी मेरी तरफ फेंको। शुक्रिया। मेरी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं तुम्हारे खूबसूरत वायरस ने मुझे जिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को बदसूरत करने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पर वो बहुत तेज है, मेरे ऊपर हावी होने लगा। ताजा इंसानी डीएनए मेरे अंदर जाए तो बैलेंस ठीक हो सकता है। हावी होने लगता है। सोचा अगर ताजा इंसान अब मेरे माथा पे एक नया बंदा है और एक तभी तुम्हारे लोग जहाज छोड़कर भाग गए। कोई अच्छी तरह गोल मिल गई थी। तुम्हारा डीएनए औरों से ज्यादा ताकत और एक नया प्लान है। एक तुम ही थी जो टी वायरस के साथ कंट्रोल मेरे हाथ रहेगा, ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें निगल लूं तो कंट्रोल। एक प्रॉब्लम है। रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। सोच तो बड़ी समझदारी की है पर इस प्लान में सिर्फ एक। और वो क्या है? मुझे निकलना नामुमकिन है। दरवाजा खोल दो वरना बहुत पछताओगे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। सुनो मेरी बात सुनो, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, घर जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दो। मैं कह रहा हूँ तुम लोग बहुत पछताओगे। सालों कुत्तों कमीनों में सब के सब। तुम लोग पछताओगे सब। समझे कमीनो, स्पोर्ट्समैन के आगे तुम कुछ भी नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने सारे बच जाएंगे। ये करिश्मा है। तो अब क्या प्लान है? आर्केडिया इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण। यह है आर्केडिया इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी से प्रसारण करते हुए उस वादे को पूरा करते हैं। 34.05 डिग्री उत्तर। यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं है। करते हुए लोकेशन 118.30 डिग्री पश्चिम। सुरक्षा और निगरानी के साथ रहने की जगह और खाना दे सकते हैं। अगर आप रिपीट कोई इन्फेक्शन नहीं है। हम सुरक्षा उम्मीद है। अगर आप जिंदा हैं, हम आपकी मदद करें। अब भी उम्मीद।